Graduate Guru and welcome to the new session of Business Economics. I hope you all remember in the last session we started with money market and we concluded that chapter as well. Okay, in this chapter we are gonna start with a new type of financial market, that is capital market. Okay, so let's start with capital market. Now, as we discussed money market, we understood that money market is a market or a place where short-term money is lent or borrowed. Okay, so if you have some excess money and if you want to invest, but invest it only for a short term, like 1 month, 2 months, 3 months, 6 months. Okay, so you will invest it in the money market. Or if I am a company and I need some money for my working capital requirements or my or raw material buy karna hai ya fir labor ke liye chahiye, to mujhe 2-3 months ke liye paise chahiye. I'll borrow it from where? Money market. Waise hi if So, capital market is a market where money is lent or borrowed for a medium or long term. So, ऐसा प्लेस, ऐसा मार्केट जहां पर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है या पैसा बोरो किया जाता है, मनी बेसिकली इज बोरोड और लेंड फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. सपोज से आई एम एन इंडिविजुअल अर्निंग सम इनकम, ठीक है, एंड एवरी मंथ व्हाट आई डू इज आई सेव सम मनी फॉर माय रिटायरमेंट. अब वो पैसे को मैं क्या करूंगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा. नाउ मेरे रिटायरमेंट के लिए मुझे पैसे चाहिए, मैं रिटायरमेंट के बाद मुझे कुछ एक स्टेबल इनकम चाहिए, उसके लिए मैं आज से इन्वेस्ट कर रहा हूं. वो पैसा मुझे कब चाहिए रहेगा, प्रोबेबली 10 ईयर्स लेटर और 20 ईयर्स लेटर, मतलब लॉन्ग टर्म. सो आई विल नॉट इन्वेस्ट दैट मनी इन मनी मार्केट, आई विल इन्वेस्ट इन दैट मनी इन कैपिटल मार्केट. फर्स्ट डिफरेंस, मनी मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म. मनी मार्केट शॉर्ट इंटरेस्ट जो मिलता है, रिटर्न जो मिलता है वो ज्यादा नहीं होता है, वो कम इंटरेस्ट होता है. एंड कैपिटल मार्केट में द इंटरेस्ट और द रिटर्न इज हायर देन मनी मार्केट. ठीक है, सो दिस इज वॉट मनी मार्केट इज ऑल अबाउट. मनी मार्केट बेसिकली इज अ मार्केट वेर मनी इज लेंट और बोरोड फॉर अ मीडियम और लॉन्ग टर्म. लेट्स से एन एग्जाम्पल गवर्नमेंट. ठीक है, अभी गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ती है. क्यों जरूरत पड़ती है? तो गवर्नमेंट कंट्री के डेवलपमेंट के लिए खर्चा करता है, एक्सपेंडिचर करता है. जैसे आई टेक एन एग्जांपल, यू हैव दिस मेट्रो ट्रेन्स कमिंग इन इंडिया, राइट, दिल्ली में है, कोलकाता में है, मुंबई में है, अदर अदर सिटीज में. अब गवर्नमेंट ने प्लान बनाया कि ये जितने भी मेट्रोस अलग अलग स्टेट में है उनको कनेक्ट किया जाए. मतलब अगर आपको मुंबई से सपोज से गुजरात जाना है, सो यू कैन टेक अ मेट्रो, राइट, कनेक्टिविटी है मेट्रो का. अगर आपको दिल्ली से अहमदाबाद आना है तो कनेक्टिविटी है, राइट. सो दिस इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, चालू करने के लिए गवर्नमेंट को पैसों की रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़े लेवल पे एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा. नाउ गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट बोरो करता है. सो गवर्नमेंट बिकम्स माई बोरोवर. अब ये पैसा जो है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ शॉर्ट टर्म. 3 या 6 महीने के लिए पैसे नहीं चाहिए गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट को प्रोबेबली नेक्स्ट 5 इयर्स 7 इयर्स 10 इयर्स के लिए वो पैसा चाहिए, बिकॉज ये पूरा प्रोजेक्ट खत्म करते करते गवर्नमेंट को 10 साल लग जाएगा. सो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के लिए बोरो करता है. ठीक है, नाउ वो लॉन्ग टर्म के लिए बोरो कहां से करेगा, कैपिटल मार्केट से. बिकॉज अभी इफ यू गो टू माय प्रीवियस एग्जांपल, मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, मुझे लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट के बाद पैसा चाहिए, तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करूंगा. कहां पर इन्वेस्ट करूंगा, कैपिटल मार्केट में. तो इन्वेस्ट आया, लेंड हुआ, एंड किसी ने उसको बोरो किया. सो दिस इज वॉट कैपिटल मार्केट लुक्स लाइक. वन मोर एग्जाम्पल, सपोज से आई एम अ कंपनी, और कंपनी को सपोज से मेरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हूं. नाउ आई वॉन्ट टू सेटअप अनदर प्लांट, मुझे और एक फैक्ट्री डालना है. वो फैक्ट्री, वहां पर लैंड खरीदना पड़ेगा, बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, नए मशीनरीज बाय करने पड़ेंगे, वाटर कनेक्शन देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देना पड़ेगा. देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट. एंड वो इन्वेस्टमेंट 6 महीने या 1 साल या 2 साल के लिए नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, राइट, लॉन्ग टर्म. तो कंपनी को जब लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट होगा, वो क्या करेगा, कैपिटल मार्केट से बोरो करेगा.
आर वी गेटिंग इट? आर यू क्लियर व्हाट इज कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट मतलब क्या? अ प्लेस वेयर मनी इज लेंट, मतलब इन्वेस्टेड और बोरोड फॉर अ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म. आर वी क्लियर विथ व्हाट इज कैपिटल मार्केट? नाउ इफ यू सी आई हैव रिटन नाउ थ्री पॉइंट्स हियर. सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर. This is basically the structure of capital market. How does the structure looks like? The first is government securities market. ऐसा जगह जहां पर हम government securities में invest करते हैं या government borrow करता है. अभी मैंने एक example दिया था government metro बनाने का, so वही है. So अगर government securities में हम invest करते हैं, जब government bonds में invest करते हैं, that is government securities market. Corporate debt market, जब कोई company को, जब किसी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है एंड दे रेज मनी थ्रू डेट. व्हाट इज डेट मार्केट? मतलब उधार, उधार में, क्रेडिट में. मतलब मैंने पैसे लिए, मैं एक सर्टन फिक्स पीरियड बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको चुका दूंगा. सो कॉर्पोरेट, सो जब किसी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए, वो पैसा रेज करता है एज अ डेट, एज क्रेडिट, एज उधार. एंड इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, कंपनीज होते हैं, एनबीएफसीज होते हैं, बैंक्स होते हैं, जो इस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. सो बोरोअर भी आ गया, इन्वेस्टर भी आ गया. एंड देन यू हैव इक्विटी मार्केट. इक्विटी मार्केट मतलब क्या? जब मनी इज रेस्ड और मनी इज रेस्ड बाय इश्यूइंग इक्विटी, मतलब शेयर्स बेसिकली. सो सेलिंग अ पार्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ योर कंपनी. अभी हमने इसमें डेट मार्केट में जब हमने देखा, तो हमने क्या बोला? डेट मार्केट मतलब उधार. मतलब कभी ना कभी व्हेन आई एम रेजिंग दैट मनी, मैं एक फिक्स पीरियड बता रहा हूं कि 3 साल 5 साल 10 साल, ये डेट पे आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा. इक्विटी मार्केट में वैसा नहीं होता है. वंस आई इन्वेस्ट इन टू इक्विटी मार्केट, आई बिकेम द ओनर, आई बिकम द ओनर. मैंने सपोज से If I say Reliance इंडस्ट्री का मैंने shares buy किया, equity buy किया, मतलब I became the owner of whatever shares I bought. तो मैंने अगर suppose से 10 shares buy किया, तो मैं 10 share का owner बन गया. जितना भी percentage रहेगा उतना percent का मैं owner बन गया. ना owner क्या लेता है? Profit लेता है. So मैं profit में part हो गया. So that money is a risk. अगर रिलायंस इंडस्ट्री ग्रो हुआ तो मुझे मेरा पैसा मिलेगा, नहीं ग्रो हुआ तो मुझे मेरा पैसा नहीं मिलेगा. बट यू हैव अ सेकेंडरी मार्केट इन इक्विटी मार्केट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट मतलब जब कंपनी शेयर इश्यू करता है फर्स्ट टाइम एंड पीपल बाय इट और कंपनीज बाय इट, दैट इज प्राइमरी मार्केट. जो लोगों ने शेयर बाय किया प्राइमरी मार्केट में, इफ दे वॉन्ट टू सेल, अगर शेयर्स का वैल्यू बढ़ गया एंड नाउ आई थिंक, तो सपोज से मैंने 100 रुपए में शेयर खरीदा, शेयर का करंट मार्केट प्राइस इज 200, मुझे 100 रुपए का फायदा हो रहा है. नाउ आई वांट टू सेल इट, वेयर डू आई सेल इट? आई कैन नॉट गो बैक टू रिलायंस इंडस्ट्री एंड टेल देम भाई मेरे को मेरा पैसा वापस करो, नहीं. सो आई कैन गो इन टू सेकेंडरी मार्केट एंड सेल दो शेयर्स. जिसको भी खरीदना रहेगा दे कैन बाय इट. सो दैट इज वाई वी हैव टू मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. आर वी क्लियर? So, structure of capital market, government securities market, corporate debt market and equity market. Equity market में we have primary market and secondary market. ठीक है? So, this is capital market का introduction. We understood what is capital market and we understood the structure of capital market. Now, let us go and see the capital market structure in India. ठीक है? So, let's start with capital market structure in India. So now we're going to see the capital market structure, the capital market structure of India. Of India. ठीक है? सो इंडिया में हाउ डज अ कैपिटल मार्केट लुक लाइक, व्हाट आर द मार्केट्स इन इंडिया? सो इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. फर्स्ट इज गिल्ड एज सिक्योरिटीज मार्केट. ठीक है? गिल्ड एज
सिक्योरिटीज मार्केट मतलब क्या, एनी मनी दैट इज लेंड टू द गवर्नमेंट और एनी मनी दैट इज बोरोड बाय द गवर्नमेंट. सो बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स या डेट मार्केट और बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जब हम इन्वेस्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज गिल्ट एज सिक्योरिटीज. सो दिस सिक्योरिटीज कैरी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स. आपने अगर ये मार्केट में इन्वेस्ट किया इसमें आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा. जनरली द बोरोवर सो यूजली ऑन इनफैक्ट द बोरोवर हियर इज गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट बोरो करता है एंड जो लेंडर होता है इज बेसिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. देन यू हैव जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं. ठीक है, देन यू हैव कंपनीज LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, प्रोविडेंट फंड. ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस है ऑर्गेनाइजेशन है आर बेसिकली द कंपनीज हु लेंड टू गवर्नमेंट. इनफैक्ट इट इज बेसिकली देर इज अ कंपल्शन. इनफैक्ट दे आर कंपेल्ड टू हैव सम टू इन्वेस्ट सम मनी आउट ऑफ देयर जो भी इन्वेस्टमेंट. जैसे PF में कौन इन्वेस्ट करता है, बेसिकली इफ आई वर्क मेरा एक प्रोविडेंट फंड डिडक्ट होता है एवरी मंथ, वो पैसा कहाँ जाता है, प्रोविडेंट फंड के पास जाता है. तो ये जो पैसा आ रहा है इसके पास दैट उसमें से सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी सर्टेन परसेंटेज ऑफ मनी दे हैव टू कंपल्सरी इन्वेस्ट इन गिल्ट एज मार्केट. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली गिल्ट एज मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना. ठीक है, नाउ देन देयर इज इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट. बेसिकली इट डील्स विद द शेयर्स डिबेंचर्स. शेयर्स एंड डिबेंचर, बेसिकली डिबेंचर इज डेट. ठीक है, सो शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ ओल्ड प्लस न्यू कंपनीज. ठीक है, सो जो कंपनीज को पैसों की जरूरत पड़ती है, इफ जैसे मैंने एग्जांपल दिया था इफ आई हैव अ कंपनी ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड आई वांट टू सेट अप अ न्यू प्लांट. ठीक है, नए फैक्ट्री डालना है तो उसके लिए मुझे लॉन्ग टर्म फंड्स की जरूरत पड़ेगी. सो दैट इज व्हाई आई विल इश्यू शेयर्स और डिबेंचर एंड रेज मनी फ्रॉम द मार्केट. ठीक है, जनरली द लेंडर्स इन दिस आर एनी इंडिविजुअल्स. कोई भी इंडिविजुअल यहां पर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है. Foreign institutional investors, FIIs, LIC, then you have basically companies, any companies. ठीक है, so ये सारे companies, ये सारे लोग यहां पर invest करते हैं. ठीक है, so industrial securities market. Then we have development financial institution. To grow or to develop the economy of the country, companies का ग्रो होना बहुत जरूरी है एंड कंपनीज को ग्रो करने के लिए उन्हें फंड्स की जरूरत पड़ेगी. ये दे विल रिक्वायर कैपिटल टू मेक दैट हैपन. टू एनेबल दैट गवर्नमेंट सेट अप अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. जैसे कि वी हैड ICICI, वी हैव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI. ठीक है, देन वी ऑल्सो हैव इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI. ये सेंट्रल लेवल पे बेसिकली गवर्नमेंट ने ये इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किए सो दैट दे कैन एनेबल, दे कैन प्रोवाइड फंड्स टू कंपनीज. जो भी बड़े बड़े कंपनीज हैं उनको वो जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है दे कैन बोरो इट फ्रॉम दीज ऑर्गेनाइजेशन दीज इंस्टीट्यूशन. वी ऑल्सो हैव दिस आर यूनियन लेवल सेंट्रल लेवल एंड वी ऑल्सो हैव स्टेट लेवल पे जैसे SFC, जैसे वी हैव स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन. ठीक है, देन वी हैव स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन दैट इज SIDC. देन वी हैव स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज SIDBI बेसिकली. सो स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशन ओपन किए, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ओपन किया. जैसे IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्पेसिफिकली ओपन टू एनेबल द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया. इंडस्ट्रीज को, कंपनीज को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बेसिकली जब पैसों की जरूरत पड़ती है दे कैन बोरो इट फ्रॉम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. दिस कंपनीज टेक मनी फ्रॉम इंडिविजुअल्स. जो डिपॉजिट्स होते हैं वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं और वो डिपॉजिट्स को लेंड करते हैं इंडस्ट्रीज को, कंपनीज को. ठीक है, सो देर आर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑफकोर्स देर आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. जैसे वी हैव
banks, merchant banks basically. Then we have NBFC, non-banking financial institutions. These companies or these merchant bankers या NBFC उनको वो क्या करते हैं? So they accept deposit and they lend the deposit. लोगों से पैसा लेते हैं और वो पैसा को पैसों को जिसे जिसे वो पैसों की डिमांड होती है, institutions हो गए, companies हो गए, government हो गए, उनको वो पैसा लोन देती है या लेंड करती है. So this is financial intermediaries. So India में capital market it looks like this. We have gilt edge market, we have industrial securities market, we have development financial institution and we have financial intermediaries. Are we clear? Samjha? So let's go on to the types of capital market. Chota sa topic hai. So types of capital market mein we have primary market and secondary market. We'll deal with primary market first. So primary market mein we have equity issue and we have debt issue. ठीक है, इक्विटी एंड डेट मार्केट. इक्विटी में वी हैव डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल एंड डेट में अगेन वी हैव डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल. ठीक है, नाउ प्राइमरी मार्केट मतलब क्या? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यू इश्यू मार्केट. New issue market. Why do we call it as new issue market? So let's take an example. Primary market first. ठीक है? So suppose say मेरा एक company है. My company is basically into mobile manufacturing. मैं first time मैं suppose say मैं expand कर रहा हूँ. मेरा एक company already set up है, factory है, अच्छा खासा sales हो रहा है. Now मेरे company को और demand बढ़ रहा है मेरे mobiles का, तो मुझे और capacity बढ़ाना है, production capacity बनाना है. Now, मुझे प्रोडक्शन कैपेसिटी बनाने के लिए मुझे एक नया फैक्ट्री सेटअप करना है. मैं नया प्लांट सेटअप करूंगा, नया मशीनरी खरीदूंगा, नए लेबर्स लाऊंगा, सब कुछ नया करके मैं और अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाऊंगा. बट ये सब करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे फंड्स चाहिए होगा. सो मैं फर्स्ट टाइम जब मैं प्राइम मार्केट में मार्केट से पैसे रेस करता हूँ, बोरो करता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी मार्केट. ठीक है, सो द फर्स्ट टाइम first issue, that is why it is called as new issue market. First time borrow or lend. मैं directly company को lend कर रहा हूं. जैसे I'll take an example. तो suppose से ये समझ गया primary market मतलब first time borrow करना. ठीक है, directly consumer से investor से borrow करना. First time when I raise money, I can raise it to equity or debt. We'll first see equity. तो suppose से मैं ले रहा हूं example. If I say Mobile India Limited, मेरा कंपनी का नाम है Mobile India Limited. मेरे कंपनी को ठीक है, I want to set up a new plant, new factory and all the stuff. मुझे 1000 crore रुपए का requirement है. ठीक है, 1000 crore का requirement है. मैं क्या करता हूं अभी? या तो मैं दो तरीके से पैसा मनी रेस कर सकता हूं, कैपिटल रेस कर सकता हूं. फर्स्ट इज थ्रू इक्विटी, सेकंड इज थ्रू डेट, दैट इज डिबेंचर्स. डेट मतलब क्या? डिबेंचर मतलब क्या? उधार. या तो मैं बोलूंगा किसी को, तो जो भी मेरे को पैसा दे रहा है उसे मैं बोलूंगा मैं अपने कंपनी का शेयर आपको दे रहा हूं. मतलब क्या दे रहा हूं? ओनरशिप आपको दे रहा हूं. इन दैट केस आई विल नॉट पे यू इंटरेस्ट और आई विल नॉट रिटर्न यू द मनी, आई विल गिव यू द ओनरशिप. मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसमें सर्टेन परसेंटेज आपका, मतलब आपने जितना परसेंटेज मेरे कंपनी का बाय किया है, शेयर्स बाय किया है, उतना प्रॉफिट प्रोपोर्शनेटली आपको दिया जाएगा. दैट प्रॉफिट इज इन द वे ऑफ डिविडेंड. ठीक है, जो शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है. सो मोबाइल इंडिया ने डिसाइड किया कि हम लोग शेयर इश्यू करेंगे. ठीक है, मतलब हम ओनरशिप देंगे. ठीक है, दे आर नॉट गोइंग बाय डेट वे. ठीक है, सो शेयर इश्यू किया. So the first time they will issue the share, that is called as IPO, initial public offer, initial public offer. ठीक है, so this is called as primary market में through equity. ठीक है, so equity issues हो गया. Now equity में भी they can either raise domestically, मतलब same country से पैसे ले सकते हैं by share. मतलब जब हम शेयर इश्यू कर रहे हैं, आई एम इश्यूइंग शेयर टू माय ओन कंट्री. ठीक है, इन माय ओन कंट्री. बट देयर इज आल्सो अ वे ऑफ इश्यूइंग शेयर्स और रेजिंग कैपिटल थ्रू इक्विटी एक्सटर्नली.
मतलब मैं किसी और कंट्री से भी पैसा रेस कर सकता हूं बाय द वे ऑफ इक्विटी, दैट इज थ्रू यू हैव GDRs, दैट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स एंड ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स. आर वी क्लियर? तो दोनों वे हो गया, डोमेस्टिक भी हो गया, एक्सटर्नल भी हो गया. सो GDR और ADR बेसिकली अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट मतलब क्या? सो सपोज से अमेरिका में एक इंडिविजुअल है जिसको इंडियन शेयर मार्केट का एक कंपनी का शेयर बाय करना है. नाउ ही कैन नॉट गो डायरेक्टली, ही कैन नॉट डायरेक्टली बाय इट. सो व्हाट ही विल डू इज ही विल बाय अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स, ADR में पैसा डालेगा, ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट, देन विल बाय शेयर ऑन हिज बिहाफ. मुझे अगर शेयर इश्यू करना है, मैं इंडिया में एक कंपनी है मेरा और मुझे एक्सटर्नली इश्यू करना है, तो मैं ADR के थ्रू ADR को शेयर इश्यू करूंगा एंड ADR वहां पर अपना पैसा लोगों से लेगा. ठीक है? सो दैट इज ADR एंड GDR. GDR इज बेसिकली ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स, बेसिकली वर्किंग इन ईच एंड एवरी कंट्री आउटसाइड इंडिया. ठीक है? अमेरिका के लिए वी हैव स्पेशली ADRs, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स. आर वी क्लियर? सो इक्विटी समझ गया. नाउ लेट्स कम ऑन टू डेट मार्केट. Quickly recollecting it, we are doing primary market of capital market. Equity ho gaya. Second is debt market. Let's come on to the same example. Mobile India Limited, 1,000 crore rupees raise karna hai, share issue nahi karna hai. Mujhe mere company ka ownership nahi dena hai. I am very sure ki 10 saal baad mujhe itna profit aayega, itna paisa aayega ki I can repay the principal plus the interest amount and still have money to grow further. So what I do is I issue debenture. ठीक है? debenture मतलब क्या? Again, debenture can be issued in the primary market and then bought, buy and sell can be done in the secondary market also. That we'll see in the later part. debenture issue किया, first time issue किया मतलब क्या हो गया? primary market. ठीक है? so primary market में debenture issue किया, लोगों ने buy किया, जिसने buy किया they will get what? debenture certificate. डिबेंचर कैसे इश्यू होता है? समथिंग लाइक दिस, 10% डिबेंचर एट, सॉरी 10% डिबेंचर फॉर 10 years. मतलब इफ आई वॉन्ट टू बाई डिबेंचर ऑफ दिस कंपनी, मुझे कितना साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा? मिनिमम 10 years. दैट इज द फिक्स टर्म. 10 साल के पहले आपको पैसा नहीं मिलेगा एंड कितना इंटरेस्ट मिलेगा मुझे? 10% इंटरेस्ट मिलेगा. सो दिस इज हाउ डिबेंचर इज इश्यूड. अगेन डिबेंचर कैन बी डन डोमेस्टिकली जो हमने इक्विटी में देखा एंड डिबेंचर कैन बी डन एक्सटर्नली दैट इज इश्यूइंग आउटसाइड इंडिया. आर वी क्लियर? एक प्राइमरी मार्केट में इक्विटी मार्केट एंड डेट मार्केट. चलो लेट्स सी नाउ सेकेंडरी मार्केट. नाउ बेसिकली एनी कंपनी जिसको ये पैसा चाहिए, एनी कंपनी जिसको पैसा चाहिए, फंड रेस करना है, कैपिटल रेस करना है, दे विल रेस थ्रू के प्राइमरी मार्केट ओनली. सेकेंडरी मार्केट में दे के नॉट रेस. सेकेंडरी मार्केट में जब हम बाय और सेल करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के, दे डू नॉट, दैट मनी डू नॉट गो टू द कंपनी. प्राइमरी मार्केट में हमने देखा पैसा डायरेक्टली कंपनी के पास जा रहा है. मोबाइल इंडिया लिमिटेड को पैसे की रिक्वायरमेंट है, था दे इश्यूड शेयर्स और दे इश्यूड डिबेंचर. पैसा किसके पास आया? कंपनी के पास आया. नाउ व्हेन आई से सेकेंडरी मार्केट, मैंने अभी बोला सेकेंडरी मार्केट में पैसा कंपनी के पास नहीं जाता, तो क्यों चाहिए हमें सेकेंडरी मार्केट? इफ सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट मतलब क्या? पैसा लैंड या बोरो. बोरो कौन करता है? कंपनी करता है, गवर्नमेंट करता है. इफ आई एम सेइंग सेकेंडरी मार्केट में कंपनीज के पास पैसा आ ही नहीं रहा है, तो फिर क्यों चाहिए हमें सेकेंडरी मार्केट? लॉजिक सिंपल है. जब सपोज से आई हैड सम एक्स्ट्रा मनी विच प्राइमरी मार्केट में मैंने मोबाइल इंडिया लिमिटेड को दिया था. ठीक है? मैंने 2018 में मोबाइल इंडिया लिमिटेड के शेयर्स को बाय किया, प्राइमरी मार्केट से IPO आया था, मैंने उसमें इन्वेस्ट किया. नाउ एक साल बाद आई वॉन्ट माई मनी बैक, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए. मेरे पास एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन है. या तो मैं मोबाइल इंडिया लिमिटेड के पास जाऊंगा, ठीक है, मोबाइल इंडिया लिमिटेड के पास जाऊंगा और बोलूंगा भाई मेरा पैसा मुझे वापस दो. ठीक है? अब पैसा वापस देना पड़ेगा.
डिबेंचर लिया या तो शेयर लिया, मेरे को पैसा तो चाहिए ना मेरा, मैं फोकट में क्यों, फ्री में क्यों इन्वेस्ट करूं। तो मैंने मोबाइल इंडिया को बोला मेरा पैसा वापस करो। अब मोबाइल इंडिया ने अगर मेरा पैसा, ऐसे सारे शेयर होल्डर या ऐसे सारे डिबेंचर होल्डर ने बोला मुझे मेरा पैसा वापस करो, तो कंपनी का लिक्विडिटी कहां रहेगा? इट दे विल हैव नो लिक्विडिटी। मतलब पैसा रेस करने का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट थिंग, मनी वॉज फॉर लॉन्ग टर्म। मैं एक साल में पैसे मांग रहा हूं, सारे डिबेंचर एक साल में पैसे मांग रहे हैं, that cannot happen. So to impact or to have liquidity in the market, to have liquidity in the market, so we have secondary market in India. That means secondary market में buying and selling होता है, जो भी primary market में जो हमने खरीदा था, जो भी primary market में हमने खरीदा था, suppose से मैंने 2018 में 2018 में मोबाइल इंडिया कंपनी का शेयर्स खरीदा और डिबेंचर भी खरीदा। नाउ आई वांट टू सेल द शेयर्स, मैं सेकेंडरी मार्केट में जाऊंगा और सेल करूंगा, वहां पर कोई बायर रहेगा जो उसको बाय करेगा। जब मार्केट अच्छा है, कंपनी ग्रो कर रहा है, मेरा प्रॉफिट निकालना है मुझे, मैंने बेच दिया, कोई दूसरा बंदा जो बैठा है उसको लग रहा है कंपनी ग्रो होने वाला है, वो बाय कर लेगा। इससे क्या हो रहा है, जो पैसा मैंने मोबाइल इंडिया को दिया था वो पैसा मोबाइल इंडिया के पास ही है, मुझे मेरा पैसा मिल गया प्रॉफिट के साथ। अब किसी और बंदे ने मोबाइल इंडिया का शेयर खरीद लिया मेरे से, अब ही इज द शेयर होल्डर ऑफ मोबाइल इंडिया, आई कैन नो लॉन्गर आस्क प्रॉफिट फ्रॉम मोबाइल इंडिया, दैट पर्सन हु हैज बॉट माय शेयर विल हैव द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। कल उठ के उसको भी बेचना है, ही कैन सेल इन द सेकेंडरी मार्केट। सेम वे डिबेंचर भी होता है, मैंने मोबाइल इंडिया का डिबेंचर बाय किया 10 साल के लिए, नाउ आई वांट टू सेल, आई हैव टू सेल इट टू द सेकेंडरी मार्केट। दैट इज व्हाई सेकेंडरी मार्केट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द लिक्विडिटी इंटैक्ट इन द मार्केट। आर वी क्लियर? प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। सो सेकेंडरी मार्केट में वी हैव, दैट इज व्हाई टू बाय एंड सेल, टू फैसिलिटेट द बाइंग एंड सेलिंग इन सेकेंडरी मार्केट, वी हैव स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंजेस बेसिकली, ये एक्सचेंज में, दिस एक्सचेंजेस, द स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली फैसिलिटेट्स और फैसिलिटेट्स द बाइंग एंड सेलिंग। सो इफ आई वॉन्ट टू बाय, आई विल गो डायरेक्टली टू बाय स्टॉक एक्सचेंज एंड देयर शुड बी अ सेलर। सो यहां पर बायर है, यहां पर सेलर है, आई विल गिव माई शेयर टू स्टॉक एक्सचेंज, दे विल गिव शेयर्स टू the seller, sorry, seller will give the stocks to stock exchange, यहां से facilitated होके वो buyer के पास आ जाएगा। तो stock exchange होता है, there are three types of secondary market, has three types of stock market exchange, regional stock exchange, that is region wise, territory wise, town wise, city wise, जैसे मुंबई में भी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, then we have national level का, that is national stock exchange NSE, and then we also have over the counter exchange of इंडिया। सेकेंडरी मार्केट एंड प्राइमरी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, उसका टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए, वी हैव सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बेसिकली जिन्होंने, बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन सारे कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, जैसे मनी मार्केट में वी सॉ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, वैसे ही कैपिटल मार्केट को इंडिया में कौन रेगुलेट करता है? बेसिकली सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ दैट वी हैव डन विद द टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, लेट अस नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया एंड रिफॉर्म्स ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो लेट्स सी सम ऑफ द ग्रोथ दैट हैज हैपेंड इन कैपिटल मार्केट। बेसिकली कैपिटल मार्केट स्टार्टेड इन इंडिया way long back since 1850s, ठीक है, उसके बाद 19th century में स्टॉक एक्सचेंज आए, सो उसके बाद then you have automated machines आए, screen systems आया, dematerialization आया, so we'll see capital market का growth क्या हुआ। On your screen you will see various points and the description of those points की क्या capital market में changes और growth आए हैं। ठीक है, so let's start looking at different growth of कैपिटल मार्केट, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट सिंस 1991। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज, फर्स्ट वॉज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फर्स्ट पॉइंट इन ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट इंडिया इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। इट वॉज सेटअप इन 1988
एंड वॉज मेड अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट इज कंपल्सरी बॉडी अंडर लॉ इन जनवरी 1992. बेसिकली सेबी क्या करता है, सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी. ठीक है, सो सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी विच बेसिकली रेगुलेट्स द कैपिटल मार्केट इन इंडिया. इट हैज बिकम नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया. सेबी क्या करता है, सेबी बेसिकली रूल्स बनाता है, रेगुलेशन करता है, रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट को. They also impose monetary penalties on various intermediaries, financial intermediaries and participants for a special range of violation, for any range of violations. You can also complain to SEBI. SEBI can also file complaint in courts to notify its regulations. They issue direction and call for documents from all the intermediaries. This was SEBI. The second is setting up of National Stock Exchange. National Stock Exchange, basically, if you all remember, we did stock exchanges, three types of stock exchange. One is National Stock Exchange on the national level. It was set up in 1992 and started its operation in 1994. Basically, stock exchange kya hota hai, jahan par hum secondary market mein buying and selling of shares or debenture karte hain. Theek hai, so National Stock Exchange established kiya. It was sponsored by IDBI and co-sponsored by other development financial institutions, that is LIC, GIC, General Insurance Corporation, commercial banks and other financial institutions such as SBI. Okay? So NSE represented an attempt to overcome the fragmentation of retail market by providing a screen-based system that transcends geographical barrier. Basically, if I want to buy a share and agar screen system hai, to main kahin bhi rahu, India ki kisi bhi part mein rahu, I can just open my screen. If I'm a broker, suppose say I can open a screen, I can view the current market price of shares, kitna trade ho raha hai, kitne shares trade ho rahe hai, everything can be viewed. Okay? So that is what NSE facilitated. Some of the objective of NSE is basically provide a nationwide trading facilities for equity debt instruments. So basically that is what I said, you can be in any part of our country and you can buy and sell shares or debenture through NSE. To provide equal access to investors across the country through suitable communication network, and to provide a fair, efficient and transparent securities trading system to investors, and to provide shorter settlement cycles and book entry settlement system. Third is setting up interconnecting stock exchange of India, that is basically nothing but regional stock exchange. Like Bombay Stock Exchange ho gaya, वैसे we have 14 regional stock exchanges that was promoted in India, which was recognized by SEBI in 1998 and formal trading was started in 1999. Now the fourth point is over the counter exchange of India, guys. Over the counter exchange of India, basically ये स्टॉक एक्सचेंज इसके लिए एस्टैब्लिश किया गया था जो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज है, इफ दे वांट टू बोरो मनी फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, सो टू रजिस्टर और टू रजिस्टर ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क. सो बेसिकली ओवर द काउंटर एक्सचेंज एस्टैब्लिश किया गया विच कैन लिस्ट कैपिटल विद इश्यूड कैपिटल फ्रॉम 30 लाख टू 25 करोड़. ठीक है, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग. फिफ्थ पॉइंट, बेसिकली स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग एस्टैब्लिश किए गए. इट वॉज मॉडर्नाइज इन 90s विद कंप्यूटराइज स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम. इट इलेक्ट्रॉनिकली मैचेस ऑर्डर्स ऑन स्ट्रिक्ट प्राइस एंड टाइम प्रायोरिटी. इट कट्स द मेन ऑब्जेक्ट इज इट बेसिकली इट कट्स डाउन द टाइम कॉस्ट रिस्क ऑफ एरर एंड फ्रॉड एंड देयरफॉर लीड्स टू इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी. नेक्स्ट इज कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीमेटलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. बेसिकली the government has taken steps for the corporatization of stock exchange in India. This will lead to segregation of ownership, management and trading rights from each other. The BSE, Bombay Stock Exchange, ceased to be an association of person, became a company under the Companies Act in August 2005. Basically it was a statutory body, matlab there were people and there it was a body basically registered under Statutory Act of India, Parliament Act of India. Then the government established it as a company. It has a company under the Companies Act in August 2005, so that they have more accountability and responsibility. Depository system, a major reform in Indian stock market has been in the introduction of depository system and scriptless trading mechanism since 1996. So there is no physical
शेयर्स ना, पहले ऐसा होता था कि इफ यू बाय अ शेयर बेसिकली यू यूज टू गेट अ पेपर फॉर्म ऑफ शेयर्स, शेयर सर्टिफिकेट. नाउ दैट इज नॉट देयर. वी हैव डीमटलाइजेशन ऑफ शेयर, बेसिकली कन्वर्टिंग ऑल द फिजिकल शेयर्स टू द इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. सो नाउ इफ यू बाय अ शेयर बेसिकली यू ओपन अ डीमैट अकाउंट एंड सारे शेयर्स वहां पर एक अकाउंट में आपके दिखेंगे आपको. इट्स मोर लाइक अ सेविंग अकाउंट. सेविंग अकाउंट में आपको पैसे दिखते हैं, वैसे ही आपको डीमैट अकाउंट में शेयर्स दिखेंगे आपके. सो दैट्स डिपॉजिटरी सिस्टम. A major reform in Indian stock market has been introduction of depository system and scrapless trading mechanism since 1996. Before this, the trading system was based on physical transfer of securities. This caused a lot of delays, bad deliveries, counterfeit scrapes, false certificates, wrong signature, and so on. A depository is an organization which holds the security of shareholders in electronic form, transfer securities between account holders, facilitate transfer of ownership without handing securities, and facilitate your safe keeping. Dematerialization is a process of converting physical securities holdings with depository into electronic form. So what is depository system? Basically wo companies, wo organization, wo institution jo aapka share demat form mein apne paas rakhta hai, electronic form mein apne paas rakhta hai, and they also facilitate buying and selling. To aapko agar apna shares jo demat account mein pade hain wo agar bechna hai, they will do it on your behalf or they will buy also on your behalf. The National Securities Clearing Corporation of India, the NSCL, was set up in 1996. It has started guaranteeing all trades in NSE since July 1996. NSCL is responsible for post-trade activities of NSE. So basically, suppose say if I buy the shares today, okay, and that share should come into my account. Basically there is rolling settlement बोलते हैं उसको. So अगर मैंने आज share buy किया तो वो share अगर मुझे मेरे नाम पे नहीं लेना. Suppose say I am buying today and I'll be selling it tomorrow. मुझे वो नहीं लेना. But कल मैंने sell नहीं किया, परसों मैंने sell नहीं किया, then that shares would be transferred into my name. That is called as settlement basically. ठीक है, मतलब मुझे पैसे देने पड़ेंगे and वो shares मुझे मेरे नाम पे लेना पड़ेगा. So that's वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा सेटलमेंट क्लियर करने का, ट्रांजैक्शन क्लियर करने का. दैट इज द रीजन वी हैव सेटअप, गवर्नमेंट ने सेटअप नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इट क्लियर्स ऑल ट्रेड्स, डिटरमाइन ऑब्लिगेशन ऑफ ट्रेडिंग मेंबर्स, अरेंजेस फॉर पे इन ऑफ फंड्स, सिक्योरिटीज रिसीव फंड्स, प्रोसेस फॉर शॉर्टेज इन फंड्स, सिक्योरिटीज अरेंजेस फॉर पे आउट फंड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. Allowing FIIs, that is foreign institutional investor. The government has allowed foreign institutional investors such as pension funds, mutual funds, investment trusts, portfolio management companies, etc. to invest into Indian capital market provided they are registered with SEBI. So, isse kya hoga? Indian capital market mein aur capital infuse hoga. And then we also have mutual funds. Emergence of diversified mutual fund is one of the most important development of Indian capital market. म्यूचुअल फंड क्या करता है? इट मोबिलाइज सेविंग फंड्स, इट मोबिलाइज द सेविंग्स फ्रॉम जनरल पब्लिक. ठीक है, लोगों से पैसा लेता है एंड वो पैसे को स्टॉक एक्सचेंज में दे इन्वेस्ट इनटू वेरियस शेयर्स ऑफ कंपनीज. म्यूचुअल फंड्स आर एन इंपॉर्टेंट एवेन्यू थ्रू विच हाउस होल्ड पार्टिसिपेट इन सिक्योरिटीज मार्केट. बेसिकली स्मॉल सेविंग, जैसे इफ आई एम अ अर्निंग पर्सन, बेसिक मिडिल क्लास इनकम, छोटा सा इनकम है, उसमें थोड़ा सा पैसा मैं सेव करता हूँ. But I do not have an expertise into investing into share market. मुझे नहीं पता कौन सा share buy करना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं mutual funds companies को देता हूँ and then mutual fund companies on my behalf invest that money into capital market. So this is basically the growth of capital market in India, guys. Security and Exchange Board of India established किया गया, setting up of National Stock Exchange NSE was set up in 1992. Then we have setting up of interconnecting stock exchange of India, over the counter exchange of India, screen based trading, corporatization and dematerialization of stock exchange, depository system जिसमें dematerialization हुआ, National Security Clearing Corporation जो clearing and settlement देखता है, then we have allowing FIIs, that is foreign institutional investors, and mutual funds. So this was growth of capital market in India, guys. Let us now see the capital market reform. So since the beginning, क्या क्या reforms, क्या क्या changes हुए हैं capital market में. So the first is disclosure standards. Basically SEBI ने सारे companies जो borrow करते हैं पैसे, सारे institution who is borrowing the money capital from capital market,
SEBI has made it compulsory for all the companies to disclose all the material facts and specific risk factors associated with your project. So suppose say agar ek company naya project chalu karne wala hai, uske liye use funds chahiye, to wo project ke bare mein sara details use company ko mention karna padega, disclose karna padega. So that is disclosure standards. Freedom to determine the par value of shares. Basically, pehle face value jo hota tha, wo 10 rupees compulsory tha. Government did not allow companies to choose the face value. Now, they allowed the companies to issue shares at par value, that is 10 or 100. SEBI has allowed to company to determine the par value of shares. Underwriting optional. What is underwriting? So company, जैसे हमने IPO process देखा था अभी primary market में, company जब first time share issue करता है, there is no guarantee that all their shares would be bought up by the people, right? So सब सारे shares नहीं बिकेंगे, हो सकता है there is a risk, हो सकता है बहुत ओवर सब्सक्राइब हो जाए, हो सकता है अंडर सब्सक्राइब रहे, तो ऐसे टाइम पे टू गारंटी कि भाई सारा शेयर्स बाय हो जाना चाहिए, कंपनीज के पास ऑप्शन है, कंपनीज को पहले वो ऑप्शन नहीं था, कंपनीज हैड टू अपॉइंट एन अंडरराइटर, जो अंडरराइटर क्या करेगा, वो सारा आईपीओ का प्रोसेस मैनेज करेगा, प्लस दे विल ऑल्सो गारंटी कि सारे शेयर सब्सक्राइब हो जाएंगे. बट सेबी ने कैपिटल मार्केट को रिफॉर्म करने के लिए अंडरराइटिंग ऑप्शनल किया, गवर्नमेंट कंपनीज के लिए इट वॉज ऑप्शनल, इट इज ऑप्शनल नाउ बिकॉज अंडर राइटिंग हैज एन कॉस्ट. जो भी अंडर राइटर आप अपॉइंट करोगे वो उसका फीस चार्ज करेगा, विच इज वेरी एक्सपेंसिव. तो छोटे छोटे कंपनी जो मीडियम टर्म मीडियम कंपनीज है, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, बेसिकली इट इज ऑप्शनल नाउ, प्रोवाइडेड यू मेक श्योर दैट 90% ऑफ द शेयर्स दैट यू आर इश्यूइंग इज सब्सक्राइब्ड और बॉट बाय द डिपॉजिटर्स. इफ नॉट then you will refund all the money, then you will refund all the money to the investors. So this was third point. FIIs permitted to operate in Indian market. Ye abhi humne growth of capital market mein dekha, foreign institutional investors are now allowed to invest in Indian market. Jaise mutual fund ho gaya, foreign mutual fund ho gaya, foreign pension fund ho gaya, they are now allowed to invest into Indian market, thereby increasing the capital or infusing more capital into Indian capital market. Accessing global market, this was a very important decision. Basically, now companies or the financial institution or the companies basically who require funds, now they can access funds from global market outside our country as well, through global depository receipts, American depository receipts, foreign currency convertible bonds, extra, etc., etc. So this is a very important step towards the growth or the reform of capital market. All the intermediaries, jitne bhi intermediaries hai, basically intermediaries are now under the purview of SEBI. Jaise merchant bank ho gaye, financial institutions ho gaya, NBFC ho gaya, depository market ho gaya, ye sare jitne bhi share transfer agents hai, brokers hai, they now come under the purview of SEBI, thereby increasing transparency and safety of investors. Credit rating agencies, various credit rating agencies such as CRISIL ho gaya, ICRA ho gaya, Cost Analysis and Research Limited ho gaya, CARE, basically they were set up to basically give gradings and credit rating to companies, जिससे हमें पता चलेगा कौन से कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से कंपनी में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस फॉर न्यू इश्यूज, बेसिकली जैसे भी जो भी कंपनीज फर्स्ट टाइम शेयर इश्यू कर रहा है आईपीओ, बेसिकली दे हैव टू कम अप विद अ प्रोस्पेक्टस, बेसिकली डिस्क्लोजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, दैट इज डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस, एंड द कंपनीज हैज टू अडियर टू ऑल द गाइडलाइंस. रोलिंग सेटलमेंट, बेसिकली जो हमने रोलिंग सेटलमेंट देखा, सो T+2 इज द रोलिंग सेटलमेंट. बेसिकली रोलिंग सेटलमेंट मीन्स बेसिकली आज अगर हमने शेयर्स बाय किया तो तुरंत हमें पैसे नहीं पे करना है, तुरंत शेयर्स हमारे नाम पे बाय नहीं होगा, बट देर हैज टू बी सम
टाइम लिमिट सेटअप कि कब वो शेयर्स हमारे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, कब हम पैसे हमें पैसे पे करने पड़ेंगे. सो दैट इज टी प्लस टू. इन 1993 इट वॉज डन टी प्लस थ्री बाई एनएससी. देन इट वॉज डन टी प्लस टू. दैट इज एवरी ट्रेडिंग टी इज नथिंग बट ट्रेडिंग. बेसिकली ट्रेडिंग प्लस टू डेज. थर्ड डे पे वो शेयर्स हमारे नाम पे हो जाएगा, पैसे हमें पे करने पड़ेंगे, मतलब सेटलमेंट हो गया. सो दैट इज रोलिंग सेटलमेंट. इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर्स. द एसएबी इंट्रोड्यूस्ड ऑटोमेटेड कंप्लेंट हैंडलिंग सिस्टम टू डील विद इन्वेस्टर कंप्लेंट्स. फॉर दिस पर्पज द सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 1, 2001. देन पैन कार्ड हैज बीन मेड मैंडेटरी. बेसिकली नो योर क्लाइंट दैट इज केवाईसी नॉर्म्स हैज टू बी फुलफिल्ड. मतलब हर एक कस्टमर, हर एक इन्वेस्टर को नाउ हैज टू फिल अप द केवाईसी फॉर्म, नो योर क्लाइंट फॉर्म. एंड एवरी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैज टू अडियर टू केवाईसी नॉर्म्स. देन यू हैव परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज टू सेट ट्रेडिंग आवर्स. ड्यूरिंग 2009-10 स्टॉक एक्सचेंज हैज बीन परमिटेड टू सेट योर ट्रेडिंग आवर्स. दिस इज सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट दीज आर बिटवीन 9 AM to 5 PM. So this was the end of capital market, guys. We understood the capital market, we understood the types of capital market, the structure of capital market in India, the reforms and the growth of capital market in India. So with this we have completed this session, and we have also completed the chapter that is capital market. With this we have completed the module that is banking and financial market. Have a nice day, guys. Enjoy the learning, keep learning. Thank you so much. We'll meet in the next session. Thank you so much.